कोविड के बाद आप राइटिंग और प्रिंटिंग पेपर का क्या मार्केट सिनेरियो देख रहे हैं? देखिए, कोविड के टाइम में क्या हुआ था कि सडनली डिमांड बंद हो गई थी, एंड जो फर्स्ट वेव ऑफ कोविड हुआ था किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था। सबका माल तैयार हुआ था, नोटबुक्स तैयार थी, एंड सडनली शटडाउन हो गया। तो उस लॉकडाउन में लोगों का इन्वेंट्री फंस गया, पैसे ब्लॉक हो गए, और जहां माल दिया था उसका सेल्स का पैसा भी नहीं आया। तो खैर, वो इमरजेंसी था, नेशनल इमरजेंसी था, एवरीबॉडी अंडरस्टूड। बट जब वो फर्स्ट फेज ख़त्म होने लगा, बाज़ार खुलने लगा, तो डिमांड बहुत सॉलिड फिर से आ गया। जब डिमांड आया तो लोगों ने कहा कि ठीक है, अब हम सब बच गए, एवरीथिंग इज़ फाइन, लेट्स स्टार्ट अगेन। तो फिर से माल बना और सेकेंड फेज़ फिर से आया। जो सेकेंड फेज़ आया उसमें बहुत लोग को बहुत तकलीफ आई कि आपने दो बार ही माल बनाया है, पहले का पैसा आया नहीं है, इस बार ही मैंने फिर से बनाया और फिर से लॉकडाउन हो गया। तो बेसिकली इंडस्ट्री में क्या हुआ कि वो एक दहशत आ गई कि अब क्या पता थर्ड वेव भी आ सकती है, फोर्थ भी आ सकती है। अब इस साल अगर आप देखिए, सितंबर में नॉर्मली नोटबुक एंड टेक्स्ट बुक का सीज़न शुरू हो जाता है, बट किसी ने भी छपाई शुरू नहीं की, किसी ने भी ऑर्डर शुरू नहीं किए, किसी ने भी प्लानिंग शुरू नहीं की, थिंकिंग कि क्या पता एक और वेव आ जाएगी और हम इस बारी फिर से फंस जाएंगे। तो वो कहते हैं कि वो दूध का जला छाछ को फिर उठा के पीता है, वही कहानी थी। सो विद दैट अनसर्टेनिटी नोबडी डिड एनीथिंग। Rumors were still on कि क्या पता थर्ड वेव माइट कम। सो दिस कंटिन्यूड टिल अबाउट दिसंबर जनवरी। जनवरी में सडनली देखा कि अब सब स्कूल खुलने लगे, ऑफिसेज खुल गए, कॉलेजेस खुल गए, वैक्सीनेशन हो गई थी। अब जो काम आपको 5 महीने में करना है वो आप करना चाह रहे हो 3-3.5 महीने में। पेपर वालों ने क्या किया कि पेपर ने शुरू में तो शटडाउन्स भी लिए, फिर एज नॉर्मल आदमी ढूंढता है मार्केट्स, आप पेपर मिल्स ने एक्सपोर्ट भी करना शुरू किया, प्रोडक्शन कर्टेल किया, तो एक्सेस इन्वेंट्री सिस्टम में कहीं थी नहीं। अब जब आपको 6 महीने का माल 3 महीने में चाहिए, प्रिंटर तो छाप लेगा बिकॉज उसकी प्रिंटिंग मशीन डबल टाइम चलाएगा, उसके पास कुछ आइडल कैपेसिटी भी होती है, बट एक पेपर मशीन जितना बना सकती है उतना ही बनाती है। अब वो 6 महीने का माल 3 महीने में तो बन नहीं सकता। विद द रिजल्ट देयर वाज अ मेजर केओस कि लोगों को माल मिल ही नहीं रहा है। इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन कि कोई प्रॉफिटियर कर रहा है, आपके पास ऑर्डर ज़्यादा है और माल कम है। टू ऐड टू इट, जो रॉ मटेरियल्स है, वेस्ट पेपर कलेक्शन भी डिस्टर्ब्ड हो गया था, तो वेस्ट पेपर आ नहीं रहा था, तो आपका पेपर के लिए रॉ मटेरियल भी नहीं है, तो बहुत सारी मिल्स फॉर ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल भी शट रही हैं। इफ़ यू लुक एट पल्प केमिकल्स, जैसे हम लेते हैं पल्प में भी आप ऑर्डर करते हो, आप दाम की तो नेगोशिएशन करते ही नहीं हो, बट फिर भी आपको पल्प मिलता ही नहीं है। आप 8,000 टन का टेंडर निकालोगे, आपको 6,000 टन की बिड्स आते हैं, उसमें भी प्राइस नेगोशिएशन का तो सवाल ही नहीं कि आप कहते हो कि चलो 6 ही पूरा मिल जाए, उसमें भी बोलते हैं कि 2 महीने में देंगे। आप कोल देखिए, कोल का बहुत बुरा हाल है, अवेलेबिलिटी भी नहीं है, प्राइस इज़ गॉन हेवायर। केमिकल्स में वही हाल है। ऑफ लेट आप देखिए तो कोटिंग में जो हम क्ले लगाते हैं वो भी अवेलेबिलिटी इज़ बिकम अ प्रॉब्लम। सो ओवरऑल अगर आप सिनेरियो देख रहे हैं कि एक साइड से तो अच्छी पिक्चर लग रही है कि बुकिंग्स बहुत है, आदमी सप्लाई नहीं कर पा रहा है, पर दूसरी साइड से सप्लाई साइड से बहुत प्रेशर्स हैं, एक तो कॉस्ट के, दूसरा अवेलेबिलिटी के। हम लोगों को अपना प्रोडक्ट मिक्स फ्रीक्वेंटली चेंज करना पड़ रहा है, बिकॉज आपके पास वेस्ट पेपर नहीं है तो आप डुप्लेक्स नहीं बनाओगे, आप कुछ और बनाओगे। बहुत बारी पल्प नहीं है तो आप एक कप स्टॉक नहीं बनाओगे, आप फोल्डिंग बॉक्स बनाओगे, तो आपको प्रोडक्ट मिक्स चेंज करना पड़ रहा है। तो तकलीफें बहुत है, बट आई मस्ट से आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट द होल स्टोरी। द फैक्ट रिमेन्स कि पिछले 3 महीने में पेपर मिल्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस डेफिनेटली बेटर हुए हैं। अगर दाम बढ़ा है, मतलब कॉस्ट बढ़ा है, तो वो कस्टमर को आप प्राइस इंक्रीज ट्रांसलेट भी कर पा रहे हैं। विद द रिजल्ट क्या हुआ है कि प्रॉफिटेबिलिटी इज़ बेटर। दूसरा एक थिंग विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ इज़ कि ओवरऑल जो सेंटिमेंट है ना वो बहुत बुलिश हो गया है। मतलब पीपल आर लुकिंग एट द फ्यूचर कि येस, ऑल इज़ नॉट गॉन, वी आर बैक इन एक्शन। एंड अभी आपने पेपरएक्स देखा होगा, आज थर्ड डे है, इतना पार्टिसिपेशन मैंने बहुत सालों में कभी पेपरएक्स में नहीं देखा है कि इतना क्राउड है एंड एवरीबॉडी इज़ वेरी एंथुजियास्टिक। अनदर एडवांटेज विद इंडियन इंडस्ट्री इज गॉट इज
कि हमारा एक्सपोर्ट्स अक्रॉस हैज़ डन वेरी वेल एंड ग्लोबल मार्केट्स में रियलाइजेशन भी आ गया कि क्वालिटी ऑफ इंडियन पेपर इज़ ऑल्सो गुड। सो एक आपको जो मौका मिला अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए चाइना में जो भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो कंटेनर क्राइसिस है, शिपिंग प्रॉब्लम है, ऑल दोज इश्यूज, उससे ये ग्लोबल एक्सेप्टेबल हो गया, ग्लोबली एक्सेप्टेबल फैक्ट कि क्वालिटी ऑफ इंडियन पेपर इज़ गुड एंड ऑल्सो दैट सर्विसिंग आउट ऑफ इंडिया इज़ गुड। मतलब हम ठीक तरह से पैक करके ऑनेस्टली टाइम पे माल देते हैं, वो एक फ्यूचर के लिए भी इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, इट पोर्टेंट्स वेरी वेरी गुड फॉर द फ्यूचर कि हमारे पास एक एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल मार्केट भी हो जाएगा। अगले 6 महीने में कॉपी पेपर का क्या प्राइसिंग सिनेरियो आप देख रहे हैं? देखिए, नेक्स्ट 3 महीना तो प्राइसिंग स्टेबल ही रहेगा, अगर इंक्रीज होगा तो 2-3% का, अगर हुआ तो हुआ, डिपेंडिंग ऑन प्लेयर टू प्लेयर। उसके बाद अगर आप देखते हैं कि अगस्त सितंबर नॉर्मली पब्लिशिंग सीजन, नोटबुक सीजन नहीं होता है मेजर एरियाज में एंड टेंडर्स वेंडर्स सब खत्म हो गए हैं, तो जरा सा स्टेबिलिटी एंड सॉफ्टनिंग ऑफ द प्राइसेस तो होना चाहिए। सॉफ्टनिंग मैं इसके लिए नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज कॉस्ट प्रेशर्स बहुत है। तो देखिए, उसके आगे प्रिडिक्ट करना भी बहुत मुश्किल है बिकॉज आई कैन ओपनली कमेंट है कि अगर आज एक कोविड का वेव हो जाता है तो आप भी समझ सकते हैं क्या होगा और मैं भी समझ सकता हूँ क्या होगा। अगर ऐसे ही सिचुएशन रहा तो आई वुड से ये साल स्टेबल जाएगा, अब उतना कोई कॉस्ट एस्केलेशन मेरे हिसाब से नहीं होगा, ना ही प्राइस एस्केलेशन होगा, ओवरऑल स्ट्रॉन्ग सिनेरियो। इम्पोर्टेड जो वेस्ट पेपर है उसका जो क्राइसिस के मध्य है, काफ़ी पेपर मिल्स ने एग्रो इंडस्ट्री को एक अल्टरनेटिव फाइबर की तरह सोचा है, एग्रो इंडस्ट्री पर शिफ्ट करना बिकॉज ऑफ कि भाई इसकी एबिलिटी ज़्यादा अच्छी है, या फिर ये वुड फाइबर और इम्पोर्टेड पेपर के मुकाबले काफ़ी क्लोज है इसकी, मतलब कैसा सोचते हैं आप इसके बारे में? द क्वेश्चन ऑफ एग्रो रेजिड्यू वर्सेस वुड वर्सेस रिसाइकल्ड, इट्स अ डायनेमिक सिनेरियो, बट द फैक्ट रिमेंस कि लाइक एट TNPL वी यूज ऑल 3, वी यूज वुड बेस्ड पल्पिंग, वी यूज बगास पल्पिंग एंड वी यूज डीइंक पल्प, वी यूज ऑल 3 एंड वी ऑल्सो बाय सम इम्पोर्टेड पल्प। द फैक्ट रिमेंस दैट आई कैन नॉट शिफ्ट फ्रॉम डीइंकिंग टू एग्रो बेस्ड एंड आई कैन नॉट शिफ्ट फ्रॉम एग्रो बेस्ड टू वुड बिकॉज दैट इज अ स्पेशल डिफरेंट टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी, इन द सेंस कि द मशीन्स और द पल्प मिल इन विच आई मेक वुड बेस्ड पल्प आई कैन नॉट यूज इट टू मेक बगास पल्प एंड नीदर कैन आई डू डी इंकिंग। सो इवन इफ आई हैव टू शिफ्ट, ये एक सोचा समझा लॉन्ग टर्म प्लान होगा आदमी का, जिसमें उसको 2-3 साल लगेंगे कि मेरे को अब बगास की पल्प मिल लगानी है या मुझे डी इंकिंग प्लांट लगाना है, डी इंकिंग प्लांट जरा जल्दी लग जाएगा, या मुझे वुड बेस्ड पल्प लगाना है। तो ये शिफ्ट ऑल्सो, इसमें रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी बहुत क्रिटिकल है। देखिए, मेरा इन्वेस्टमेंट होगा तो 8 साल का पेबैक होगा, 7-8 साल का, उसमें फोरकास्ट करना पड़ेगा कि मुझे रेगुलरली एग्रो रेजिड्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे बगास मिलेगा कि मैं मशीन लगा लूँगा, बगास नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूँगा। वैसे ही अगर मैं वुड बेस्ड पल्प मिल लगाऊँगा तो मुझे वुड नहीं मिली तो मैं क्या करूँगा, डी इंकिंग का तो फिर भी चलो महंगा सस्ता कहीं से भी मैं वेस्ट पेपर ले आऊँगा। तो फैक्ट रिमेंस कि शिफ्टिंग बिटवीन द सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल और सप्लाई इज नॉट समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन बिकॉज ऑफ शॉर्ट। काफ़ी पेपर मिल्स की जो है अंतर्राष्ट्रीय रॉ मटेरियल पे काफ़ी निर्भरता है, जैसे कि OCC और पल्प इत्यादि की, परंतु इनकी उपलब्धता वह कंफर्म नहीं है। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं उन पेपर मिल्स को जो बाहर से आउट ऑफ इंडिया परचेज करती हैं, ताकि उनको जो रॉ मटेरियल है वह कम दाम पे एक रेगुलर बेसिस पे मिल सके? आज की डेट में देर इज़ नो सर्टनटी एनीवेयर। अब देखिए, कोविड से हम निकले ही थे कि यूक्रेन आ गया, सो कहीं से भी अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि कुछ स्टेबिलिटी आएगी, वो नहीं आने वाली है। एंड आप किसी से भी अगर बात भी करते हो ना कि आई वॉन्ट टू हैव अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट और आई वॉन्ट टू हैव अ 6 month कॉन्ट्रैक्ट, एवरीबडी सेज कि लेट द मार्केट स्टेबलाइज, लेट अस ऑब्जर्व स्टेबिलिटी फॉर 3-4 months, देन वी विल गेट इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, अगर प्राइसेज आर फ्लक्चुएटिंग
में 3-4-5%, तो कोई आदमी रिस्क भी लेगा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करने का। आज फ्लक्चुएशन इज 15%, 20%, फ्रेट गोइंग डबल, फ्रेट गोइंग 3 times, तो नोबडी इज इन अ कंडीशन टू टेक अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। आज इट इज सेंसिबल, वी डू स्पॉट बिजनेस, बिजनेस विद विजिबिलिटी, 2-3 महीने का विजिबिलिटी है वो कर लेंगे, उतना तो हम सब बर्दाश्त कर लेंगे, बट एक्सपेक्टिंग 6 months, ऐसे इवन 6 months इज अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम टुडे। तो कोई कोई कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर रहा है और ना करना चाहिए भी। इरफा, जो एक पेपर डिवीजन है यूरिक की, वो सजेस्ट करती है कि आप जो वेस्ट पेपर मार्केट का जो प्राइसिंग फ्लक्चुएशन है उसको एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आप कम कर सकते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट वन टाइम परचेजिंग के मुकाबले काफ़ी अच्छा है, जिसमें आपको एक लॉन्ग टर्म में आपको रॉ मटेरियल मिलेगा एक उचित प्राइस पे। आप इसको कैसे देखते हैं? If we talk about the Indian market or the international market, supposing paper prices were 55 rupees about 6 months ago, today supposing they are 70 rupees or 73 rupees. Now if I talk to a seller that give me a long term price average of 64, why will he agree to it? If I tell him, okay fine, I'll pay you 72 rupees, will I ever say that? मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कल को मार्केट टूट गई तो फिर 56 रुपये का हो जाएगा, 60 रुपये का हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में ना तो बेचने वाला लॉन्ग टर्म करेगा, ना खरीदने वाला करेगा। दूसरा, अगर आप कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस देखते हैं तो इतने डिस्टर्ब टाइम्स में बोलना बहुत अच्छा है कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज़ वेरी गुड, बट आप मुझे एक चीज़ बोलिए, जो बेचने वाला था, सपोजिंग उसने $900 में कोई माल सप्लाई करने का 1 साल की बात किया था और आज $1200 का रेट है, तो कितना ब्लीड करेगा? अभी तक आप जो यूरोपियन पेपर मिल्स की हिस्ट्री है, दे आर नोन टू बी वेरी कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म रेट कॉन्ट्रैक्ट करने वाले। इस बार आई वुड से वर्ल्ड नंबर 2-3 ने भी कन्फर्म्ड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रेक कर दिए, कहा कि इस रेट में अनफॉर्चुनेटली हम नहीं दे पाएंगे। देखिए, सब कुछ तो उसके हाथ में भी नहीं है। अगर वो $800 का बेचता है और उसका $100 का फ्रेट था तो 900 में आपको मिला। आज उसका फ्रेट अगर $300 हो गया तो आप ये मान के चलिए कि 800 से उसको 200 और कम मिलेगा, तो 600 में तो बेचारा आप कहते हो कि वो बेचे, और उसका रॉ मटेरियल कॉस्ट भी ऊपर चला गया, 800 की जगह 600 और रॉ मटेरियल कॉस्ट ऊपर। तो इस सिचुएशन में कोई भी नहीं कर पाएगा। बोलना बहुत अच्छा है, मैं भी बोल सकता हूँ। देखिए, आज अगर मैं बायर हूँ, मैं बोलूँगा सप्लायर को या पेपर मिल को कि यार आपका एवरेज 5 साल का या 3 साल का रेट देखो, 56 रुपये था या 60 रुपये था, 60 में चलो डील कर लेते हैं 1 साल की। वो क्यों करेगा? अब उल्टा हो जाते हैं। मैं पेपर मिलूँ, मैं कस्टमर को बोलता हूँ कि चलो यार अभी 70-72 है, पहले 56 था, तो हम बात कर लेते हैं, मैं आपको 65 में दे देता हूँ, बट 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। बायर क्यों करेगा मेरे से कॉन्ट्रैक्ट? वो इमीजिएटली बोलेगा यार अभी 4 दिन की चांदनी है, कल मार्केट टूटेगा तो फिर नीचे आ जाएगा। तो ये इस सिचुएशन में ये बोलना, आई वुड से येस, व्हेन मार्केट्स आर स्टेबल तब ये सब कुछ चलेगा, आज की डेट में ये नहीं हो पाएगा। हाल ही में TNPL ने कोई नया पेपर प्रोडक्ट लॉन्च किया है? आई मस्ट से वी हैव डन सम SBS ग्रेड्स, जो कि जो बुक कवर है, नोटबुक कवर्स है, उसके लिए एक एक्सेलेंट प्रोडक्ट है। स्मूथनेस अच्छी है, ब्राइटनेस अच्छी है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। तो अगर आदमी कहते हैं ना मैंने किताब पढ़ी उसके बाद बंद की तो वो गोल नहीं होना चाहिए कवर, वैसा नहीं होता है। हम कुछ लिक्विड पैकेजिंग के बोर्ड्स भी बना रहे हैं, जो कि अभी स्लाइटली प्रीमेच्योर है मेरा शेयर करना, बट यस, हमने कुछ वहाँ ट्रायल्स भी किए हैं और अच्छा सक्सेस मिला है। बाकी 2-3 सेगमेंट्स हैं जहाँ की हम वी आर डूइंग क्वाइट वेल इन द पास्ट 2-3 ईयर्स। हम सब्लिमेशन पेपर्स बहुत अच्छा बना रहे हैं, आई वुड से हम इंडिया के लीडर्स हो गए हैं उसमें। तो वो भी देखें तो वो भी एक इको फ्रेंडली इंडस्ट्री है, जहाँ की आप सॉल्वेंट बेस्ड इंक्स यूज़ नहीं कर रहे हैं कपड़े को प्रिंट करने के लिए, वहाँ पेपर यूज़ किया जा रहा है और वाटर पोल्यूशन नहीं हो रहा है।
सो यस, न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप करते जा रहे हैं और फोकस यही है कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की तरफ ज़्यादा फोकस करें, बिकॉज राइटिंग प्रिंटिंग तो चलेगा, कितनी देर ये कमर्शियल प्रिंटिंग और बुक रहेगा इट इज़ टू बी सीन। आई एम नॉट सेइंग कि इमीडिएटली कुछ ख़राब होगा, बट 8-10 साल 12 साल डिजिटल का प्रकोप बहुत स्ट्रांग है, बट जो राइटिंग प्रिंटिंग है, जो बच्चा लिखता पढ़ता है, वो तो चलेगा ही चलेगा और वो अच्छा स्ट्रांग चलेगा, एंड पैकेजिंग का फोकस तो है ही है। सो हमारा वैसे चल रहा है। आप TNPL के पेपर एक्सपोर्ट के बारे में बताइए, और TNPL जो एक्सपोर्ट कर रही है वह क्या क्वांटिटी और क्या ग्रेड्स को एक्सपोर्ट कर रही है, क्या जो पेपर एक्सपोर्ट मार्केट है वो स्टेबल है या अप एंड डाउन में आ रहे हैं? हम अगर पेपर इंडस्ट्री देखें तो हम इंडियाज लार्जेस्ट पेपर एक्सपोर्टर हैं। हम लोगों ने लास्ट ईयर करीब 1,45,000 टन्स ऑफ पेपर एक्सपोर्ट किया है, विच इज़ द लार्जेस्ट फॉर एनी पेपर मिल। दो रीज़न था, एक तो कोविड के टाइम में डिमांड इंडिया में कम था तो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, बिकॉज आप एक हद तक ही माल स्टॉक कर सकते हो। दूसरा ऑफ लेट ये भी हुआ है कि सर्टन ग्रेड्स में एक्सपोर्ट का रियलाइजेशन डोमेस्टिक से अच्छा है, तो कुछ हमने एक्सपोर्ट्स वो भी बढ़ाया है। हमारा क्वालिटी ग्लोबली वेरी वेल एक्सेप्टेड है, तो हम वेस्टर्न यूरोप में भी बेचते हैं, हम अफ्रीका में बेचते हैं, हम मिडल ईस्ट में बेचते हैं। मिडल ईस्ट वैसे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में यूरोप के बराबर ही है। सर्टन पार्ट्स ऑफ अमेरिका ऑल्सो वी हैव स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग। तो एक TNPL का एज इट इज़ एक स्ट्रेटेजिक फोकस रहा है, हमारी पॉलिसी ही है कि 20% हम हर वक्त एक्सपोर्ट करेंगे। इससे हमारे को दो एडवांटेज मिलता है, एक तो हमारी क्वालिटी बेंचमार्क रहती है विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की, हम उनके बराबर हैं। दूसरा एक स्टेबिलिटी भी मिलती है कि हमारा प्रेजेंस है ग्लोबल, डोमेस्टिक मार्केट ऊंच नीच होती है तो हमारे पास एक मार्केट है एक्सपोर्ट करने के लिए। पास्ट आई वुड से अगर आप 1.5-2 साल की बात करें तो हम इसी के लिए अपनी मशीन्स ऑल थ्रू चला पाए कि हमारा एक एक्सपोर्ट प्रेजेंस था, क्योंकि एक्सपोर्ट प्रेजेंस था तो हम वॉल्यूम ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर एक्सपोर्ट प्रेजेंस नहीं होगा तो नया क्रिएट करने में टाइम लग जाता है, एंड क्वालिटी है हमारी तो हम आराम से एक्सपोर्ट कर लेते हैं।